बेशक लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा जारी है देश में, लेकिन इसी बीच इंडियन प्रीमियर लीग में भी रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, रन बन रहे हैं, लगातार रोचक मैच चल रहे हैं। और बात करें अगर इस लीग की नई नवेली टीम यानी कि जीटी गुजरात टाइटंस की, पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन है और इस बार 6 में से 3 मैच जीत चुकी है, तो आज गुजरात टीम को लेकर फिर से हम बात करेंगे। गुजरात के सीईओ कर्नल अरविंदर सिंह खासतौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू उमेश। कर्नल साहब, जब मैं जीटी का नाम लेता हूं तो जहन में एक वो टीम आती है कि जो भी नई है, कहते हैं ना बच्चा भी छोटा है, लेकिन बच्चे की जो एंट्री है वो धाकड़ हुई है। डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि पिछली बार की चैंपियन टीम, नए कप्तान। और सवाल पूछने से पहले मैं दोनों को कनेक्शन जोड़ दूं, आप भी पंजाब से, कप्तान भी पंजाब से, लेकिन गुजरात मजा माचो? बिल्कुल, एकदम मजा मा। कैसा अभी तक आपका 6 मैचों का एक्सपीरियंस रहा? इस साल हमारी शुरुआत उमेश एज कम्पेयर टू जो पिछले 2 सीजन थे थोड़ी सी स्लो जरूर रही है, लेकिन पिछले मैच में आपने देखा होगा जीटी ने जिस तरह से लास्ट मैच राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जीता, लास्ट बॉल पे गया, वो 2022 की गुजरात टाइटंस की टीम की याद दिलाती है। और पूरा यकीन है रस्ते पे आ गए टीम और अच्छा करेंगे आगे चल के और क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले नया कप्तान शुभमन गिल, एक ऐसा खिलाड़ी जो इंडियन क्रिकेटर का उभरता सितारा भी, हमने पिछली बार भी बात की थी जिस तरह से हार्दिक पांड्या के बाद शुभमन आए, और मुझे याद है कि हार्दिक का जाना भी किसी भी टीम के लिए, हार्दिक सिंह प्लेयर का छोड़ना बहुत होता है, लेकिन एक अच्छे टर्म्स में वो चीज हुई। फाइनली जब पहला मैच मुंबई के साथ हुआ, आपको कुछ ना कुछ याद आया होगा, कह रहे है तो सभी अपने ही है। नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको बताया था उमेश जब पिछली बार हमने बात की थी, अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, हार्दिक हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, कप्तान थे पहले 2 सीजन में, एक बार चैंपियनशिप, एक बार ही फाइनलिस्ट रही है जीटी उनकी कप्तानी के अंडर, तो उसको कोई नकार नहीं सकता उस बात को। कुछ हालात ऐसे बने भी उनको अपनी पुरानी टीम में जाना पड़ गया, कोई बात नहीं, हमारी बेस्ट विशेज उनके साथ है। हाँ, एक जो पहला ही मैच हमारा था अहमदाबाद में इस साल हमारे होम स्टेडियम पे, तो वो मुंबई के साथ था और जो कप्तान हमारी टीम को लीड करता था वो दूसरी टीम को लीड कर रहा था। लेकिन अच्छा ये रहा भी, जिस टीम को जीतना चाहिए तो वो फिर भी जीते, जो अच्छा खेले वो जीते। बिल्कुल। अच्छा, बात हुई होगी, बात होती भी है हार्दिक जब मैच के बाद, है ना, एक मिलते भी हैं, क्योंकि एक है तो अपनी, कहते हैं ना कि वो जड़ें तो अपनी रहती हैं सबकी। कैसा बातचीत हुई, क्या रहा कि एक वो टीम के साथ हैंडशेक करना, आपका कप्तान था, सिर्फ कुछ महीनों में ही चेंजेस हुए सभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, खिलाड़ी एट द एंड ऑफ द डे ये 2-2.5 महीने के लिए अलग अलग टीम्स में होते हैं, फ्रेंचाइज में जाते हैं, ये इस लेवल के जो खिलाड़ी हैं, सबसे पहले वो इंडिया के खिलाड़ी हैं। हार्दिक हो गया, शुभमन हो गया, आईपीएल में यस अलग अलग टीमों में इंडियन टीम भी खेलती है, लेकिन ऐसा अगर आप ग्राउंड पे होते, आप खुद देखते, जिस गर्मजोशी से वो हमारे सारे खिलाड़ियों से मिले, सपोर्ट स्टाफ से मिले, कोचेस से मिले, हम सब से मिले, और मैच से पहले भी और मैच के बाद भी, तो अच्छा था। और जैसा मैंने कहा, हमारी तो शुभकामनाएं हार्दिक के साथ हमेशा ही है। जब पिछली बार हम इंटरव्यू कर रहे थे आपके साथ, आपने शुभमन को लेके भी कहा था कि एक यंग टैलेंट है और काफी उम्मीदें हैं शुभमन से। नेचुरली जब एक कप्तानी होती है, कप्तानी एक अलग भार होता है, खासकर आईपीएल की बात करें या टीम की किसी भी कंट्री की बात करें, 6 मैचों में आप शुभमन को किस तरह से देखते हैं, कुछ क्या आपको खास लगा इस खिलाड़ी में कि हाँ वाकई डिसीजन सही था? जब हमने शुभमन को कप्तान डिक्लेयर किया था, ये क्वेश्चन तब उठा था और उस टाइम पे भी हमारा जवाब यही था, हार्दिक ने भी पहले कभी कप्तानी नहीं की थी। और उन्होंने क्या करके दिखाया, जरूरी नहीं है सब ऐसे ही निखर के आएंगे, लेकिन शुभमन को जिस तरह से मौका मिला और जल्दी मिला है और जिस तरह से उन्होंने अपनी कप्तानी दिखाई है ग्राउंड पे पिछले 6 मैचेस में, आई थिंक ही इज टोटली इन कंट्रोल ऑफ द टीम, फुली इन कंट्रोल, और एक अच्छा ग्रुप जो बन रहा है, लीडरशिप ग्रुप जो बन रहा है अलॉन्ग विद जो हमारा कोचिंग स्टाफ आशीष नेहरा के अंदर बाहर है, और ऑन द ग्राउंड आपने देखा होगा जो सीनियर खिलाड़ी हैं, चाहे वो राशिद है, चाहे वो केन विलियमसन है जब वो खेलते हैं, चाहे वो मिलर है, इस तरह के खिलाड़ियों के साथ मिलके जिस कंट्रोल के साथ ग्राउंड पे वो दर्शा रहे हैं अपनी कप्तानी, आई थिंक ये बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। ये वक्त उस टाइम मुझे याद आपने कहा था कि वाकई अच्छा
आपको क्या लगता है कि एक बड़ा खिलाड़ी है टीम में तो उसको कप्तान बना दो, लीडरशिप क्वालिटी और प्लस एक अच्छा प्लेयर, काफी अच्छा प्लेयर होना, उसे बहुत डिफरेंसेस होता है। क्या उस टाइम आपके जहन में था टीम के, शायद वो सवाल मैंने पूछा भी था या आपने भी जवाब दिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जब जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, सिर्फ ये सोचना कि गिल एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है लेकिन कप्तान कितना होगा, अब वो सीख भी रहे हैं शायद। देखो, सीखना, इंसान को सीखना जरूरी है, और जब किस्मत मौका देती है, आपकी काबिलियत के कारण आपको मौका मिलता है किसी टीम का कप्तान बनने का। एक अच्छा प्लेयर होना जरूरी नहीं है एक अच्छा कप्तान बन सके, और वैसे वर्षा भी ट्रू है। जैसे बोलते हैं एक अच्छा प्लेयर जरूरी नहीं है एक अच्छा कोच बन सके, या एक अच्छा कोच एक बहुत अच्छा प्लेयर रहा हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, हर एक अपना रोल होता है। शुभमन में मैंने आपने जब हम दोनों ने पहले भी बात की थी तब ये बोला था कि शुभमन को ये देख के नहीं कप्तान बनाया गया है भाई, वो एक अच्छा खिलाड़ी है सिर्फ, उसमें वो क्वालिटीज पिछले दो साल में जो टीम ने, जो कोचिंग स्टाफ ने, जो विक्रम, आशीष, गैरी कर्स्टन ने जो देखा है ग्राउंड, ऑब्जर्व किया उनको बिल्कुल, और वो उस लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा रहा है। देखो, ऐसे खिलाड़ी रोज नहीं आते हैं, सो उनको फ्रेंचाइज जिस हद तक उनको क्रिएट कर सकती है, मदद कर सकती है, अपॉर्चुनिटी दे सकती है, वो एक फ्रेंचाइज कर सकती है, जैसे जीटी ने शुभमन के लिए किया है। जो शुभमन ने ये 6 मैचेस में ही दर्शा दिया है, आई थिंक वो प्रूव करता है कि जो फैसला जीटी ने लिया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त फैसला है। अच्छा, ये तो कर्नल साहब हो गई खिलाड़ियों की बात, परफॉर्मेंस, टीम, आईपीएल के सीईओ का धड़कन कब बढ़ती है? सीईओ के ऊपर मुझे लगता है कप्तान के जितना ही भार है या उससे ज्यादा होता है। नहीं, उनका प्रेशर और भार एक बहुत ऊंचे दर्जे का होता है, डेफिनेटली उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, वो ग्राउंड पे है। हमारे जैसे लोग जो बाहर होते हैं, हमारा काम होता है, जब उनका काम शुरू होता है तो हमारा काम कम हो जाता है। वो जब बात करते हैं यू नो मैनेजमेंट की, तो हम उन जैसे शुभमन से भी बात होती है या किसी और स्टाफ से बात होती है तो हम बात करते हैं, हमारा आईपीएल चलता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, उसमें हमारा मैक्सिमम काम हो रहा होता है। नॉट दैट ड्यूरिंग द सीजन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मैचेस शुरू हो जाते हैं हमारा काम थोड़ा सा फ्रॉम अ मैनेजरियल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ, ऑपरेशनली बढ़ जाता है, बिकॉज जो ऑपरेशनल टीम ने जो स्टेडियम संभालना होता है वो अलग चीज है, लेकिन जो बैकएंड पे जो काम नवंबर से लेके लेट से मार्च तक वो चल रहे होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। उस टाइम पे हमारा जो जैसे जो दिल की धड़कन की जो बात कर रहे हो, लाइक एनी अदर फैन, लाइक एनी अदर सपोर्टर ऑफ द टीम, उतने ही आप इन्वॉल्व रहते हो मैचेस में जितना आप किसी टीम के लिए रहते होगे या कोई और किसी टीम के लिए रहता होगा। हम अपनी टीम के लिए उतना ही इन्वॉल्व रहते हैं, और उनकी खुशी में हमारी खुशी है, और हम उनके साथ हैं, चाहे वो जीतें चाहे वो हारें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके लिए कंडीशंस क्रिएट करना कि वो अपना बेस्ट जाके डिलीवर कर सकें। हमारा काम तब तक हो चुका है, उसके बाद गाड़ी उनके हाथ में होती है। बढ़िया तो रहता है ना कि टीम जीतेगी। देखिए, इट्स ऑल अबाउट मनी, ब्रांड वैल्यू, टीम प्रिपरेशन, बहुत चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं कर्नल साहब। देखो, हर एक चीज को आप अगर मनी में तोलना शुरू कर दोगे तो वो एक तरीका है, हमारा वैसा तरीका नहीं है। हम अगर हमारी फ्रेंचाइज क्रिएट हुई है दो साल में, आपने पिछले दो साल में और इस साल में भी जो चल रहा है आपने देखा होगा, सब कुछ मनी के लिए नहीं होता है। मनी, आप एक अच्छी ब्रांड बनाओगे, एक अच्छा एक फ्रेंचाइज खड़ी करोगे, एक अच्छा फैन बेस, सपोर्टर्स, आपको जो क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन गुजरात, अराउंड द वर्ल्ड जो फॉलो करेंगे, हमारी एस्पिरेशन है टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्टिंग फ्रेंचाइज इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट गुजरात टाइटन्स है या सिर्फ आईपीएल में है। वी एस्पायर टू बी वन ऑफ द बेटर नोन, बेटर मैनेज्ड स्पोर्टिंग फ्रेंचाइज इन स्पोर्ट अराउंड द वर्ल्ड, तो वो हमारा एम है। उसके लिए अभी आप बोलो पे हर एक चीज को आप पैसे से ही तोलोगे तो फिर जो हमारी एस्पिरेशन है वो पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, बात करें कि जैसे हर एक जो फ्रेंचाइजी है सबका एक अपना अपना काम करने का तरीका अलग है, सबका एक अपना कह लीजिए स्ट्रक्चर है। जीटी को आप, अगर मैं पूछूं सीधा सा सवाल, बिल्कुल बाकी टीमों से, बाकी फ्रेंचाइजी अलग क्या क्या खास है जीटी, अगर आप एज ए सीईओ एक्सप्लेन करें उसको? आई थिंक जीटी का स्ट्रक्चर शुरू से ही एक बहुत ही प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है। हमारी जो पेरेंट कंपनी है सिर्फ आईपीएल ही नहीं या और दो तीन इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं है उनकी स्पोर्ट में, बड़े सालों से उनका इन्वेस्टमेंट है स्पोर्ट में, फॉर्मूला वन में हो गया, ला लीगा में उनका इन्वेस्टमेंट है, फ्रेंच लीग में उनका इन्वेस्टमेंट है, वर्ल्ड वॉलीबॉल में उनका इन्वेस्टमेंट है, वर्ल्ड टेनिस में उनका इन्वेस्टमेंट है, विमेंस टेनिस लिटरली वो ओन करते हैं अभी,
तो ये पहली बात नहीं है भाई, वो स्पोर्ट, तो वो स्पोर्ट को समझते हैं, स्पोर्ट के साथ साथ वो बिजनेस को भी समझते हैं, तो उसमें कोई जल्दबाजी या कोई शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए कोई ऐसा हमारा काम नहीं होता है। हम एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से, ये बात आपके साथ मैंने पिछले बार भी की थी, सुमन का एग्जांपल ले लो, तो अब क्या हमने उसको सिर्फ एक सीजन के लिए, डेफिनेटली नॉट, एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। तो जीटी जो भी करता है बहुत सोच समझ के, एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के साथ हर एक चीज में अपना कदम आगे, यानी कि कप्तान के तौर पर प्रोफेशनल है। कह सकते हैं कि शुभमन खाली एक सीजन दो नहीं अभी हैं, कि जब तक वो ग्रूम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, टीम फ्रेंचाइजी सेटिस्फाई है। या 100% बिल्कुल, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। वो क्यों नहीं होंगे, कौन, आपने खुद देखे उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो उन्होंने मैच पे ग्राउंड पे दिखाई है, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड दैट इज व्हाट जो कैप्टन से आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट और आगे चल के तो और बहुत कुछ करना है। अच्छा, दर्शक ना कई बार मैसेज भी करते हैं हमें इंटरव्यू के दौरान, जब वो नीचे आते हैं ना, टेक्स्ट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि आप ये भी पूछिए, ये भी पूछिए। मुझे याद है एक फैंस पूछ रहे थे कि टीमों का ख्याल कैसे रखते हैं, कि टीमों का आपकी, मुझे सुनने में आया कि आप पूरा टीम को कम्फर्ट जोन है, चाहे उनका ट्रैवलिंग हो, चाहे उनका होटल हो, बाकी टीमों की तरह भी आपका मुझे लगता है कुछ ज्यादा है कि चार्टर्ड में ही टीम रहे हमारी। नहीं, देखो अगेन, हर एक फ्रेंचाइज का, हर एक टीम का काम करने का तरीका अपना होता है, तो आई डोंट थिंक उसके बारे में मैं कोई कमेंट करूंगा। मैं अपनी फ्रेंचाइज और अपनी टीम के बारे में जरूर कह सकता हूं। आप इसको दो तरीके से देख सकते हो, या तो बोलो पे आप उनको आप कंफर्ट दे रहे हो, या आप उनको बोलो पे आप वो कंडीशन क्रिएट कर रहे हो पे उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ खेलने की ओर रहे, पे उनको छोटी मोटी चीजों के लिए, ट्रैवल, होटल, ये वो, उसके बारे में, किटिंग, सामान, जो भी बाकी चीजें, उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जीटी, उनको मालूम है, उनका ख्याल उन चीजों पे रखेगी। तो हमारी सोच दूसरी तरह की है कि हम अपने प्लेयर्स का, अपनी टीम का, हर एक का, नॉट ओनली प्लेयर्स, पूरे जो जीटी के इकोसिस्टम में टीम है, ऑन द फील्ड है, ऑफ द फील्ड है, सबका ख्याल रखते हैं। और एक स्टैंडर्ड सेट किया हमने, एक बेंचमार्क सेट किया है, सोच समझ के किया है, और अभी तक तो ठीक चल रहा है, आगे देखते हैं। मैं साफ बता दूं दर्शक के लिए कि जीटी की टीम जो है ना, वो चार्टर्ड फ्लाइट, यानी कि वो फ्लाइट के लिए नहीं कि टीम जा रही है, फ्लाइट है, नहीं है, टाइम मिस है, चार्टर्ड फ्लाइट है भाई, जीटी की टीम उसमें सफर करेगी। जी, कोशिश तो ये रहती है हमेशा, मतलब कम्फर्ट, यस यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज ये देखो, आपको नहीं तो एयरपोर्ट पे जल्दी जाना पड़ता है, चेक इन करो, आपको पता है कितना टाइम लगता है, यहाँ पे चार्टर फ्लाइट है तो आप जल्दी सीधा जाते हो एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी के थ्रू जाते हो और सीधा फ्लाइट में जाते हो, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है, आराम के लिए टाइम मिल जाता है, प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाता है, प्लस प्राइवेसी में आप ट्रैवल कर सकते हो। तो यस, एक हमारी तरफ से कोशिश है कि उनको एज पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्कीम जो हम बनाते हैं उसमें एक ये फैक्टर भी आए। आईपीएल के जो रूल्स हैं वो हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, फ्रेंचाइजी की भी मीटिंग भी पोस्टपोन हुई है, रिटेनर कितने रिटेन करें, चार का था, क्या लग रहा है कि कितना टाइम लगता है एडजस्ट करने में, और कई बार एज ए सीईओ कितनी मुश्किल होती है आपको ये चीजें समझने में, एग्री डिसएग्री करना रूल से, या अपनी बात खुल के आप रखें, नहीं ये ठीक है या नहीं है। देखो, बीसीसीआई में ना एक अच्छा सिस्टम ये है, वो सबकी राय लेंगे पहले, जैसे आपने बोला ये जो मीटिंग थी और वो नहीं हो पाई किसी भी कारण, बिकॉज वो मैच की डेट आई थिंक चेंज हो गई थी, हमारा मैच 16 को था अहमदाबाद में, अब 17 को है, तो उसके कारण हो सकता है मीटिंग पोस्टपोन हुई है, लेकिन बीसीसीआई सबसे राय लेता है, और जो आईपीएल के लिए और पूरे टूर्नामेंट के लिए, हर एक फ्रेंचाइज के लिए जो जहां तक बेस्ट हो सके वो रूल्स फ्रेम होते हैं और सबको इन्फॉर्म किया जाता है, और सबके लिए सेम है, तो चाहे वो रिटेंशन की आप बात करो, चाहे वो चार हैं जैसे पिछली बारी थे, या उससे पहले कुछ साल पहले था तीन रिटेंशन और फिर राइट टू मैच कार्ड्स थे, या कुछ और ऐसी बातें, डिस्कशंस का मामला है। मेजर ऑप्शन आना है अगली बारी, अगले साल एक, इसी साल के एंड में होपफुली एक मेजर ऑप्शन आना है अगले तीन साल के लिए जो टीमें बनेंगी, तो ये बीसीसीआई ये नहीं है भाई अपनी मर्जी से ही जो भी चाहते हैं वो करते हैं, वो फ्रेंचाइज के साथ बैठते हैं, सबकी राय लेते हैं, डिस्कशन होती है, उसके बाद ये रूल्स फ्रेम होते हैं और सबके लिए कॉमन होते हैं। आपको लगता है कि आईपीएल को एक और ज्यादा एक्साइटेड करने के लिए रूल्स टाइम टू टाइम चेंज भी हुए हैं, कुछ रूल फ्रेम हुए हैं वो अच्छा भी हुआ है, या अभी जो फिलहाल रूल है उनसे आपको क्या लगता है कि आप खुद भी तो एनालिस करते होंगे ना एज ए फ्रेंचाइजी करती है कि अच्छा यार ये होना चाहिए, आप अपनी राय भी आप दे सकते हैं। आईपीएल के ना एक दो चीजें जो यूनिक हैं और उसके कारण ही ये टूर्नामेंट इतना मेरे नजर में जो है वो एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं
2008 से आपको मालूम है मैं इन्वॉल्व रहा हूं इसमें। एक है कि आईपीएल में एक लेवल प्लेइंग फील्ड है बिकॉज पर्स सबके लिए सेम है। उसमें आपकी कितनी काबिलियत है आप अच्छी टीम बना के ग्राउंड पे खिला के और यू नो परफॉर्मेंस दे सके, नंबर एक। नंबर दो, जो शेयर फ्रेंचाइजीज को जाता है, मीडिया राइट्स या सेंट्रल राइट्स जो भी बीसीसीआई अक्वायर करती है, और 50% जो फ्रेंचाइजीज को जाता है उसमें 45% इक्वल जाता है। तो कभी आप नहीं देखोगे भाई फाइनेंशियली कोई एक फ्रेंचाइज यहां पहुंची हुई है, कोई एक फ्रेंचाइज यहां रहेगी, जैसे कई और लीग्स में होता है। तो ये दो चीजों के कारण एक अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड, पर्स होने के कारण आपका टैलेंट भी बंटता है टीमों में, ऑलमोस्ट आप देखोगे भाई बराबर का टैलेंट होता है, 19-20 का फर्क होता है। फर्क वहां आता है कि आप किस तरह से अपनी टीम से बेस्ट, अपने मैनेजमेंट जो आपकी मैनेजरियल स्किल है, आप कितना बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस टीम से निकाल सके। तो आईपीएल की तरफ से अगर आप देखो तो एक बहुत बढ़िया लेवल प्लेइंग फील्ड है, और ये फ्रेंचाइजीज के हाथ में है भाई वो खुद को किस तरह से और बेटर कर सकें और यू नो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। कलन साहब, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि कप्तान, जब टीमों के कप्तान मिलते हैं और मैच चलता है, कौन जीतेगा कौन नहीं, सीओ को लेकर भी आपस में जवाब मिलते होंगे कि भाई नहीं, क्या चल रहा है तुम्हारी टीम में? नहीं देखो, बातें होती है, ऑफकोर्स सभी दोस्त हैं, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, नए भी जो आते हैं ऑफकोर्स उनको कम्फर्ट लेवल दिलाने की कोशिश करते हैं आपस में हम लोग, छोटे सी ऑर्गेनाइजेशन 10 टीम है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बना उसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्ती के लेकिन हाँ, दोस्ती है, सबसे दोस्ती है, डिस्कशंस भी होती है, ऐसी बात नहीं है। आफ्टर ऑल एक दूसरे को होता है, बिल्कुल होता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन क्यों नहीं होना, होना चाहिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल होना भी चाहिए, देना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं हो, जब भी आप हर एक टीम के साथ तो खेलते हो हर साल, ये तो है नहीं भी आपने किसी टीमों के साथ खेला। हाँ, बिकॉज ऑफ ये ग्रुप सिस्टम अभी जो है, आप कुछ टीमों के साथ दो बारी खेलते हो, कुछ टीमों के साथ सिर्फ एक बारी खेलते हो, लेकिन खेलते हर एक टीम के साथ हो, तो हर एक मैच में हर एक जो डिफरेंट टीम के साथ हो, डिस्कशन होता है, बिल्कुल होता है, और हमारी कुछ हद तक आप मान सको थोड़ी हेल्दी राइवलरी होती है। आपको कंप्लीमेंट्स मिलो यार कर्नल साहब आपकी टीम ने तो आपने, ये कर्नल साहब हो या कोई साहब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ग्राउंड पे है उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे जो परफॉर्मेंस देनी है उन्होंने देनी है, और उसको चलाने के लिए जो स्ट्रक्चर, जो सपोर्ट स्टाफ है, जो कोचिंग स्टाफ है, और उसके बाद जो मैनेजमेंट है, जो फ्रेंचाइज है, उसका कल्चर है, उसका एथिक्स है, उसका इथॉस है, वो सब कुछ मिला के जो इकोसिस्टम बनता है उसको दर्शाते हैं वो 11 प्लेयर जो ग्राउंड पे जाके खेलते हैं। उन्होंने अपना बेस्ट देना है, वो आपने कंडीशंस क्रिएट करने हैं, उसके बाद हार हो या जीत हो हम उनके साथ फिर भी हैं। नहीं, एक चीज इसमें यह भी है कि जैसे अभी मुल्लांपुर में आप जाएंगे, स्टेडियम नया है, मुझे नहीं पता आपने देखा नहीं देखा, मैंने जब देखा जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी कुछ साल पहले, और हालांकि मैंने उसमें कभी, आप करते रहते हो, मैं देखा है, मैंने आपकी वीडियो देखी है, थैंक यू, दिल शेर के साथ आपकी वीडियो देखी है, बहुत अच्छा स्टेडियम लग रहा है, और 21 तारीख को मैच है वहाँ, तो उम्मीद है वहाँ जाके अच्छा स्टेडियम भी देखेंगे और अच्छा मैच भी खेलेंगे। जो स्टेडियम एक होम ग्राउंड बनता है किसी टीम का, तो वहां की चाहे गेट मैनेजमेंट हो, उसका पूरा जो एक वेन्यू है वो उस लीग का एक जिम्मेदारी होती है। मोटेरा के बारे में मैंने सुना है कि बड़ा स्टेडियम है, जब आप गए आपने देखा एज ए सीईओ किस तरह से मैनेज किया, मुझे लगा कि वहां पे सुनने में आया कि बहुत अच्छा है, लाखों की भीड़ जब आती है, किस तरह से मैनेज करना एक एक पॉइंट को आपकी टीम किस तरह से करती है, क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे कि हम ग्राउंड के अंदर क्राउड देखते हैं लेकिन उससे पहले का मैनेजमेंट करना भी बहुत एक लंबा टास्क है। बिल्कुल है, बिल्कुल आपने बहुत दुरुस्त बात की है, स्पेशली उस जितना बड़ा स्टेडियम हमारा होम स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नहीं 1,10,000 से ज्यादा उसकी यूजेबल कैपेसिटी है, कैपेसिटी तो उससे भी ज्यादा है, 1,30,000 तक जाती है उसकी, जो अगर सीटिंग वाइज जाओ तो 1,30,000 तक जाती है, यूजेबल कैपेसिटी इज अबाउट 1,10,000 जो आप यूज करते हो, बिकॉज बहुत कुछ आ जाता है, स्क्रीन और ब्लॉकेजेस और ये वो करके कैमरा पोजिशन के कारण कई सीट्स का को किल करना पड़ता है, लेकिन एंड आई एम श्योर ये हर फ्रेंचाइज में ऐसे होता होगा, बिकॉज एक चीज जो होती है जिसको आप मानते हो जो कस्टमर एक्सपीरियंस जो है, मैं आपको बता सकता हूँ जीटी में हम इस बात पे बहुत तवज्जो देते हैं, फ्रॉम द टाइम आप सोचो कि मैंने ये टिकट खरीद के मैच के लिए जाना है, किस तरह से किस ईज के साथ आपको वो टिकट ऑनलाइन मिल रहा है या ऑफलाइन मिल रहा है,
किस आराम से आप स्टेडियम पहुंच सकते हो, आप पार्किंग कर सकते हो। अभी हमारा स्टेडियम है, हमारे पास 34 पार्किंग एरियाज हैं और क्लोजेस्ट जो है वो आधा किलोमीटर दूर है। तो हम उसके लिए शटल सर्विस चलाते हैं, हमने मेट्रो से बात किया है बिकॉज मेट्रो का लास्ट स्टेशन मोटेरा है। उस लाइन पे तो जो गवर्नमेंट है हमारा पूरा मदद करके मेट्रो का फ्रीक्वेंसी ही इतना बढ़ा देते हैं, कम से कम 30,000 लोग एक मैच में मेट्रो में ही आ सकते हैं। 30,000 पीपल जब स्टेडियम भरा होता है, जब 1,00,000 लोग होते हैं वहाँ, तो कम से कम 30,000 से 35,000 लोग मेट्रो से आते हैं। वो 30,000 तो वो सड़क पे होंगे ही नहीं, वो होंगे ही नहीं सड़क पे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 30-35,000 आप बाकी जगह किसी भी और स्टेडियम में देखे तो 30-35,000 में तो स्टेडियम ओवरफ्लो हो जाता है बिल्कुल, लेकिन वहां पे 30-35,000 तो 1/3 भी नहीं है। लेकिन स्टेडियम में आते हो आप, किस तरह से उसका एक्सेस मिलता है, किस तरह से आप अपनी सीट तक जाते हो, आपको क्या वो सीट मिल रही है, किस तरह की सिक्योरिटी है, किस तरह की हाउसकीपिंग है, किस तरह का मेरे को सर्विसेज यहाँ मिल रहा है, किस तरह का प्री मैच एंटरटेनमेंट या ड्यूरिंग मैच एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मैं कितना सिक्योर हूँ, मेरी फैमिली कितनी सिक्योर है, मेरे फ्रेंड्स कितने सिक्योर है, क्या हम आराम से बैठ के अपना मैच देख सकते हैं, और किस तरह से फिर हमारा जो जब स्टेडियम से जाते हैं किस तरीके से, और बिकॉज 1,00,000 लोग जब इकट्ठे निकलते हैं 3 गेट से तो इट इज अज एफर्ट। टीम से टच में और उनके पूरा बिल्कुल 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 बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, हजारों में टीम जाती है। कुछ क्लास भी लगी कभी कभार? हाँ लगती है, बिल्कुल 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 लगती है, तो लगनी पड़ेगी कई बार ही, लेकिन दैट इज विद द इंटेंट पे और बेटर कर सके अगले मैच में, और बेटर कर सके। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वहाँ लोगों के लिए। मैंने तो आपको पहले भी बोला था, आप आओ खुद देखो, आएंगे जरूर आएंगे खुद देखो। एक सवाल मैं पूछना चाहता था कि इंटरनेशनल मैच में तो बीसीसीआई का रेट होता है कि अपने टिकट्स जो बीसीसीआई, जब आप एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आते हो तो जो टिकट है आपके माइंड में रहता है कि यार मैं टिकट का प्राइस वहां से रखूं कि एक और उस आम आदमी पहले आए, क्योंकि कहा जाता है ना क्रिकेट में तो दर्शक ही भगवान है, बिल्कुल जब वो है तो तभी क्रिकेट है बिल्कुल। तो वो माइंडसेट के साथ आप टिकटिंग प्राइस रखते हो? देखो हमारी एडवांटेज ये है, हमारा स्टेडियम इतना बड़ा है कि हमारे 80% जो स्टेडियम है उसके कॉस्ट जो है वो मिनिमल रहती है। 80% जो स्टेडियम की कैपेसिटी है। कितने से शुरू होता है? हमारा टिकट 499 पे शुरू होता है। 499 पे शुरू होता है, लेकिन वो 499 इज मोर देन वर्थ इट, जो जिस तरह की हम उसको एक्सपीरियंस और उसका 80% ऑफ द टोटल कैपेसिटी कम्स इन 499। ओके, और सबसे कॉस्टली टिकट? सबसे कॉस्टली टिकट तो जाता है 20,000 तक जाता है, जो हॉस्पिटैलिटी में होता है, उसमें तो फुल फ्लेजेड जैसे आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो उस तरह का अरेंजमेंट्स होते हैं। और यही आईपीएल है, यही रोमांच क्रिकेट है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही अगेन मैं बताना चाहूंगा, गेम्स अलग अलग दर्जे की गेम्स का अलग प्राइसिंग भी होती है, डिफरेंशियल प्राइसिंग होती है, हर एक जगह होती है डिफरेंशियल प्राइसिंग होती है। अभी कोई बड़ा मैच है तो उसमें 499 तो 499 रहेगा, पर हो सकता है दूसरों की प्राइसेस थोड़ी बढ़ जाए, और जो नॉट सो बिग मैचेस हैं उसमें और घट जाए, तो डिफरेंशियल प्राइसिंग डेफिनेटली होती है। कलन साहब, इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक दो जल्दी जल्दी सवाल जहन में है, फिर क्रिकेट पे और टीम की बात करते हैं। अल्टीमेटली तो वो जो ट्रॉफी जब फाइनल पोज आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से आपकी टीम क्रिकेट खेलती है। एक ऐसी टीम जो अभी आपका थर्ड सीजन है इस टीम का, अभी एक दौर में है, बहुत सी चीजें हुई हैं, नई टीम है, आपने काफी साल किंग्स के साथ गुजारे, दुबई में आपने क्रिकेट देखा, आप इंडिया एक ऐसा सेंटर बन चुका है जिसमें पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट समाई हुई है, आपको क्या लगता है कि अब पावर हाउस इंडिया बन गया है, रेवेन्यू जनरेट यहां से हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि बाकी देख के भी लीग लोगों ने शुरू की है। दो सवाल इसमें है कि इंडिया आपको लगता है वाकई पावर हाउस बन चुका है? नो 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया क्रिकेट का सबसे बड़ा पावर हाउस है और सेकंड भी कोई नजदीक नहीं है, मैं तो इतना तक बोलूंगा। एंड एवरी रीजन इंडिया शुड बिकम अ पावर हाउस बिकॉज जो रेवेन्यू आ रहा है आईसीसी में या ओवरऑल क्रिकेट में जो रेवेन्यू जनरेट होता है 80% तो इंडिया से आ रहा है, तो वाई शुड नॉट इंडिया बी द पावर हाउस टू स्टार्ट विद। ऑफकोर्स होना चाहिए, और जितना इंडिया कर रहा है दूसरे कंट्रीज के लिए भी जो मदद कर रहा है क्रिकेट के लिहाज से, वो भी कोई छोटी बात नहीं है। और जहां तक बात रही आपकी दूसरी लीग्स की, हमारी गुड विशेस है उनके साथ, बट एक बात याद रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम व्यूअरशिप आती है इंडिया से, और जब व्यूअरशिप आएगी तभी मीडिया राइट्स आएंगे। जब तक इंडियन प्लेयर्स उन लीग्स में नहीं खेलेंगे उसकी व्यूअरशिप नहीं आएगी,
व्यूअरशिप नहीं आएगी तो मीडिया राइट्स उतनी नहीं बढ़ेंगी, तो वो लीग्स कभी उस लेवल तक एनओसी भी चाहिए नहीं जाएंगे। एनओसी की बात नहीं, उधर देखो इंडिया ने ही शुरू किया था ना आईपीएल, तो इंडिया में शुरू हुआ था, इंडिया ने चांस लिया था भाई ओके फाइन हम देखते हैं भाई ऐसा अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं वो, और इतने साल मेहनत करके कहां से कहां ये टूर्नामेंट पहुंचा है, तो एवरी रीजन व्हाई शुड यू लेट एनी डाइल्यूशन हैपन टू आईपीएल बाय अलाउइंग प्लेयर। मैं उसका बिल्कुल वोट रही हूं, जो वोट कर रहा है मैं भी बिल्कुल उसके साथ हूं, बिल्कुल जो फॉर वट एवर इट काउंट्स, बट डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं जो भी बीसीसीआई इस मामले में कर रहे हैं, आईपीएल को कोई डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए। लास्ट सवाल, गुजरात टाइटंस जीटी, शुभमन गिल की कप्तानी, मुल्लापुर के मैच का सभी को इंतजार है, नया स्टेडियम बना है, जब आपका शुरू होता है टूर्नामेंट क्या कहते हैं, ट्रॉफी जीतनी है या अच्छा खेलिए एंजॉय कीजिए या ठीक है? नहीं, देखो कोई नहीं बोल सकता, कोई टीम आज तक ऐसे नहीं बोल सकती इस साल मैंने ट्रॉफी जीतनी है। पिछला साल था 22 में हम चैंपियन थे, 23 शुरू होते ही हो गया, हाँ वो हमेशा के लिए 22 के चैंपियन जब जीती रह गया, 23 में हम फाइनल तक पहुंचे, फाइनल में वी लॉस्ट टू चेन्नई, वो वही बात खत्म हो गई। ये साल जब ये सीजन जब शुरू हुआ सब जीरो से शुरू कर रहे हैं, सब जीरो से, आप मान के चलो मैं फिर वैसे ही वही हूं नहीं हो सकता, तो आपने फिर से वही जर्नी शुरू करनी है और कोशिश करनी, सबसे पहले कोशिश हर एक टीम की ये होती है वो प्लेऑफ्स में पहुंचे, उसके लिए कम से कम आपको 8 गेम्स नॉर्मली जो है आपको लीग स्टेज पे जीतनी पड़ेंगी, और सबसे पहला टारगेट हर एक फ्रेंचाइज का हर एक टीम का यही है कि मैं पहले अपने 8 गेम सिक्योर करूं, उसके बाद प्लेऑफ्स में देखता हूं उसके बाद क्या होता है। देखो ऑलरेडी पहले जब 8 टीम्स थी तो डिफिकल्ट होता था टीमों के लिए, कितना कॉम्पिटिशन होता था टॉप 4 में आने के लिए, अब तो 10 हो गई है, बिल्कुल 10 टीमों में और भी मुश्किल है, और जिस तरह से जीटी ने जो पिछले 2 साल में किया है मुझे उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, हमारी कोशिश यही है सबसे पहले प्लेऑफ्स में पहुंचे उसके बाद देखते हैं प्लेऑफ्स में क्या होता है। एक सवाल और याद आ गया आपको देखते हुए, और जो मुझे लग रहा है कि मैं उससे बिना पूछे मैं इंटरव्यू खत्म करूंगा भी नहीं, जब आपके सामने आपकी पुरानी टीम होती है प्ले, देखिए हार्दिक पांड्या मुंबई चले गए वो ठीक है, क्या एज ए सीईओ आपको वो दिन तो याद, अच्छा यार ये टीम को कभी मैंने हैंडल किया? नहीं नहीं बिल्कुल, देखो 6.5 साल मैं पंजाब के साथ था और आई हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ जो मैं उनके साथ था, और मेरे जो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई सोच भी नहीं है कि मेरे को इधर आके खेलना है तो मेरी टीम को इनसे ज्यादा जीतना चाहिए बनिस्पत किसी और के, हर एक मैच में 2 पॉइंट मिलते हैं हमको, 2 पॉइंट ज्यादा जरूरी हैं ताकि 3 से 4, 4 से पहुंचते पहले 8 पे पहुंचे विक्ट्रीज पे, किस टीम को हराया उसका एनालिसिस बाद में चलता रहेगा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सब अभी हमारे साथ जो मैचेस हुआ थे बिल्कुल मेरे पर्सनल रिलेशन हर एक के साथ बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई है, और मैं तो रहता ही हूँ आपको तो पता ही है, तो ये टीम जो मेरे को उस टीम को मैं जब मैं नहीं खेल रहा होता जब जीटी नहीं खेल रही होती तो इस टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्यों नहीं करूंगा? अच्छा बिल्कुल करूंगा भाई, मेरे घर की टीम है वो मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा, पहले जीटी फिर ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जीटी के भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, ऑलवेज अ प्लेजर। तो देखिए गुजरात टाइटंस अब क्या करती है, पूरा भरोसा कर्नल साहब को सीईओ टीम के, और ये तो मैदान में पता चलेगा कौन सी टीम कब बाजी मारेगी, और इस खास पेशकश पे इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।